नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका अपना भीम प्रजापति। आपके अपने चैनल भीमा चित्रा पर स्वागत है आप सभी मित्रों का। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन सूचना जो आप सुनकर हो जाएंगे हैरान। तो मेरे मित्रों, स्पेशली वो सूचना उन बच्चों के लिए है जो इस समय यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में शामिल है। आइए पूरा ब्यौरा जानते हैं क्या है मैटर। तो ये जो आपके सामने दिख रहा है कि स्कूटनी के लिए पहली बार होगा ऑनलाइन आवेदन। जी हाँ मित्रों, जो बच्चे यूपी बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं वो स्कूटनी भी कर सकते हैं। आइए टोटल मैटर क्या है जानते हैं। तो ये जो है प्रयागराज से सूचना है संजोग मिश्र के द्वारा, 2020 की सूचना है। 2020 में हाई स्कूल इंटरमीडिएट में परीक्षा में शामिल हो रहे 56 लाख से अधिक छात्र छात्राओं के लिए यूपी बोर्ड ने बड़ा बदलाव किया है। इस साल बड़ा बदलाव किया है मित्रों, आइए देखते हैं पूरा क्या है माजरा। इस साल से परीक्षार्थी स्कूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले ऑफलाइन आवेदन करना पड़ता था। नए नियम के अनुसार रिजल्ट घोषित होने के 25 दिन के अंदर स्कूटनी के लिए आवेदन करना होगा परीक्षार्थियों। तो मेरे दोस्तों, जो इस परीक्षा में शामिल हैं उनके लिए विशेष सूचना है, वो इस वीडियो को पूरी तरह देखें और उन्हें ये जानकारी समझ में आ जाए। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ये वीडियो को पूरी तरह से देखें और समझें। स्पेशली यूपी बोर्ड के बच्चे जो परीक्षा में फेल हो जाते हैं उनके लिए सरकार ने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। तो आइए आगे इस वीडियो में देखते हैं क्या है पूरा ब्यौरा। तो 25 दिन के अंदर स्कूटनी के लिए आवेदन करना होगा परीक्षार्थियों को। लिहाज से यह महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि हर साल औसतन 1 लाख आवेदन स्कूटनी के आते हैं। CBSE और CIS बोर्ड ने तो पहले ही ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था शुरू कर दी थी, पर यूपी बोर्ड इस साल से यह सुविधा को शुरू करने जा रही है। दोस्तों, पिछले साल तक रिजल्ट जारी होने के 30 दिन तक आवेदन लिए जाते थे। 10वीं 12वीं के उत्तर पुस्तिकाओं के स्कूटनी के लिए आवेदित सभी मामलों का निस्तारण करते हुए उसका परिणाम 15 जुलाई तक घोषित कर दिया जाएगा, जबकि इससे पहले इंटर स्कूटनी का रिजल्ट 31 जुलाई तक और हाई स्कूल का स्कूटनी का परिणाम 15 अगस्त तक घोषित किया जाता था। आवेदन और परिणाम घोषित करने की समय सीमा कम की गई है ताकि छात्र छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए प्रवेश के समय परेशानी ना उठानी पड़े। स्कूटनी के लिए परीक्षार्थियों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। रिजल्ट घोषित होने के 25 दिन की अवधि पूरी होने के बाद मिले आवेदन पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मित्रों, तो ये था पूरा ब्यौरा उन सभी बच्चों के लिए जो यूपी बोर्ड में फेल हो जाते हैं। तो उनका पहले ऑफलाइन होता था, किसी बच्चों का होता था, किसी बच्चों का नहीं होता था मित्रों। तो इस प्रकार सरकार ने अपनी तरफ से एक बहुत बढ़िया कदम उठाया है, उन बच्चों के लिए सुनहरा मौका है जो फेल हो जाते हैं। तो ये था टोटल आज का पूरा विवरण। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा मित्रों, हम आपके लिए ऐसे पल पल का अपडेट लाते रहेंगे। आप लाइक जितने भी वीडियो होंगे, जितनी भी सूचना होगी, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, जय हिंद मित्रों, धन्यवाद।